क्या है जो एक शख्स हमारा नहीं हुआ, क्या है जो एक शख्स हमारा नहीं हुआ, कारे जुलू में किसका खसारा नहीं हुआ, क्या है जो एक शख्स हमारा नहीं हुआ, कारे जुलू में किसका खसारा नहीं हुआ, वो भी मेरे फिराक में रोया तमाम उम्र, मेरा भी उसके बाद गुजारा नहीं। मैं चाहता हूँ कि अब आप संजीदा हो जाए, मैं कैसे नौजवान शायर को आपके रूबरू लाना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि बैक वक्त जितना अच्छा इंसान है उससे अच्छा सहाफ़ी है, जितना अच्छा सहाफ़ी है उससे अच्छा शायर है। ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसकी शख्सियत का कौन सा पहलू ऊपर रखा जाए, कौन सा पहलू नीचे रखा जाए। हालांकि बेहद अलीम है, लेकिन बैकल भाई की मोहब्बतों के दोपहर मुरादाबाद से यहाँ तक का सफर तय करने वाला शायर शहजादा शहर जिगर कशिश वारसी आज हमारे दरमियान मैं चाहता हूँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से तो ये तो नहीं ठीक हो पाएगा। आपको दे सकता था कि बॉस में बैठा होता तो बहुत अच्छे जुमले में तो जी चाह रहा है शामिल शाहबाज भाई जफर भाई के हवाले से, क्योंकि अल्लाह जाकर यहाँ बैठे हैं। लगभग मैं समझता हूँ कि इससे हिंदुस्तान में इस वक्त पॉलिटिशियन है जफर भाई, शायद वही शख्स आप हैं जिसके ज़्यादा मुशायरों की शिकायत है, और अगर गिनीज बुक में अगर इस बात का हवाला भी आ जाए तो कम नहीं होगा। लेकिन आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक मांग होगी तमाम शायरों की तरफ, क्योंकि आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं हम लोगों की, और हम ये मानते हैं कि आप शायरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने कुछ शायरों को पास किया, मैं आज ये चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों को दिलवाइए अपनी तरफ, तो लगेगा कि आपने सबसे ज्यादा मुशायरों की सदारत करी। सविता सिंह साहब नीचे से कह रही है कि हमारा और शाबाश भाई का ख्याल रखिएगा, खुदा करेंगे वो नायक के जफर भाई रेडियो मिस्टर बने। लेकिन अगर आप नुमाइंदगी करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी शख्सियत ऐवान में वो है कि आप जो मांगेंगे आप लगेगा शायरों को दिलवा। बेशक बड़ा ये आपने एक उम्मीद बना दी शायरों की, ये बड़ा बता मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे वायरस फीवर हुआ हुआ बहुत तेज, तो अभी एक साहब कह रहे थे कि भीड़ कम है, लेकिन जब शाहबाज नदीम जैसी शख्सियत आदिल रशीद जैसा शायर नीचे बैठा हो, सविता असीम साहिबा सामने में बैठी हूँ, और स्टेज पर हजरत नकश अमरूवी और हमारे शमसुद्दीन साहब जलवा अफरोज हों, तो फिर ये कुछ पछती नहीं, बस ये लगता है कि अच्छा शेर हो और गलती मत करते हैं गलती के माफी नहीं हसनाज काजी साहब, मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ कि सविता साहिबा के कभी मुझ पर कभी गैरों पे कभी प्यार पे खा, क्या कहना है क्या कहना, कभी मुझ पर कभी गैरों कभी गैरों पे कभी प्यार पे खाक, जिसकी फितरत में वफा कम हो उस यार पे खाक, क्या कहना है क्या कहना, जिसकी फितरत में वफा कम हो उस यार पे खाक, और उंगलियों से तेरी तस्वीर बना दी, उंगलियों से तेरी तस्वीर बना दी हमने, जम गई आके जहां कमरे की दीवार पे, क्या कहना है क्या कहना है, उंगलियों से तेरी तस्वीर बना दी हमने, उंगलियों से तेरी तस्वीर बना दी हमने, जम गई आके जहां कमरे की दीवार के साथ, क्या कहना है। एक मतलब अक्षर देखें कि आवारा मिजाजी के ये तेवर नहीं जाते, आवारा मिजाजी के ये तेवर नहीं जाते, फुटपाथ पे सो जाते हैं हम घर नहीं जाते, फुटपाथ पे सो जाते हैं हम घर नहीं जाते, और है जितनी बुलंदी पे अब ऐवान मोहब्बत, है जितनी बुलंदी पे अब ऐवान मोहब्बत, अब उतनी बुलंदी पे कबूतर, अब उतनी बुलंदी पे कबूतर नहीं जाते, ये शेर आपकी नजर के कुछ बात है मेहमान नवाजी में, कुछ बात है मेहमान नवाजी में हमारी, आ जाते हैं जो कम वो पलट कर, बहुत अच्छा है बात है,
कुछ बात है मेहमान नवाजी में हमारी, कुछ बात है मेहमान नवाजी में हमारी, जाते हैं तो पलट कर भी जाते, कुछ बात है मेहमान नवाजी में हमारी, आ जाते हैं तो हम वो पलट कर नहीं जाते। एक मतलब शेर और देख लें कि सरफिरी मुखालिफ जो आंधियां नहीं होती, सरफिरी मुखालिफ जो आंधियां नहीं होती, यूं बरहना पेड़ों की टहनियां नहीं, यूं बरहना पेड़ों की टहनियां नहीं होती, और तितलियों की फितरत ने रंगते बदलती। क्या कहना है, तितलियों की फितरत ने रंगते बदलती हैं, सुर्ख फूल की पीली पत्तियां नहीं। क्या कहना है, क्या सुर्ख फूल की पीली पत्तियां नहीं होती, और गांव में शराफत के कुछ निशान बाकी हैं, गांव में शराफत के कुछ निशान बाकी हैं, खेत की मुंडेरों पे गोरियां, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, गांव में शराफत के कुछ निशान बाकी हैं, खेत की, गांव में शराफत के कुछ निशान बाकी हैं, खेत के मुंडेरों पे गोरियां नहीं होती। आज एक दो तीन शेर और देखने कि अक्साइनों में ख्वाबों के सुहाने महके, अक्साइनों में ख्वाबों के सुहाने महके, उसको देखा तो वही जख्म पुराने, उसको देखा तो वही जख्म पुराने महके, और तस्करा जब भी छिड़ा तेरी रिफाकत का कहीं, तस्करा तस्करा जब भी छिड़ा तेरी रिफाकत का कहीं, दिल में जो दखन थे यादों के खजाने, दिल में जो दखन थे यादों के खजाने महके, और पत्रगाहों में ये मंजर भी है देखे, पत्रगाहों में ये मंजर भी है देखे हमने, तीर जब उसने चलाए तो निशाने, तीर जब उसने चलाए तो निशाने महके, और मीरो गालिब सा मुझे भी तो हुनर दे या, मीरो गालिब सा मुझे भी तो हुनर दे या रब, जिनके अशार की खुशबू से जमाने, मीरो गालिब सा मुझे भी तो हुनर दे या रब, जिनके अशार की खुशबू से जमाने में, अक्साइनों में ख्वाबों के सुहाने जो अपनी अदालत के बावजूद हमारे मुशायरे में तशरीफ लाए और बहुत खूबसूरत गजल से नवाजा। पाकिस्तानी शायर अदील शाकिर कहता है कि बहुत बेसूरती बेदास्तानी हो गई है, बहुत बेसूरती बेदास्तानी हो गई है, हमारे साथ जाने क्या कहानी हो गई है, बहुत बेसूरती बेदास्तानी हो गई है, हमारे साथ जाने क्या कहानी हो गई है, फरिश्ते मुखबरी करने लगे जा जा वसत रंग, जमी की सब हकीकत आसमानी हो गई। सरहद पार की शायरी ये है, और सरहद से इधर की शायरी वो है जो कशिश पार की।